नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं हूं रविकांत। अभी नालंदा खंडर में आया हूं, जो नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था कभी, मगर 1200 ईस्वी के बाद वो ऐसा नहीं रहा। तो इसको लेकर गाइड साहब कुछ बातें बताएंगे कि कैसे अपने नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे उत्कृष्ट और पहला विश्वविद्यालय था, जहाँ से कई कह सकते हैं कि विद्वानों ने जानकारी लेकर अलग अलग जगहों पर गए और फिर वहाँ पर शिक्षा की दीप प्रज्वलित की। और अभी पहले हम गाइड साहब को सुनते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में क्या कुछ बताते हैं, और पहले गाइड साहब को सुनते हैं, चंद मिनटों में उन्होंने कुछ बताया है। नालंदा विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में मगध के राजा कुमार गुप्त ने किया था, अर्थात ये बिल्डिंग के फाउंडर कुमार गुप्त थे। कुमार गुप्त 5वीं शताब्दी में इसे बनाया, अर्थात ये बिल्डिंग सर 1600 साल पुरानी है, जिसे आप देख रहे हैं। इसे 7वीं में हर्षवर्धन, 9वीं में राजा देवपाल ने भी विस्तार किया था। सर ये 10 किलोमीटर लंबा, 5 किलोमीटर चौड़ा था। 10,000 विद्यार्थी और 1500 प्रोफेसर यहाँ पढ़ने पढ़ाने के काम में लगे हुए थे। लेकिन 12वीं शताब्दी में तुर्किस्तान आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी का अटैक हुआ, नालंदा को जला दिया गया था। सर यहाँ 3 बड़ी बड़ी पुस्तकालय थी, जिसका नाम था रत्न सागर, रत्न दधि, रत्न रंजका। इतनी किताबें उनमें थी, जब जलाई गई नालंदा 6 महीना तक लगातार जलता रहा था। फिर ये इमारत भूकंप में कवर्ड हो गया था एक बाहर के जैसा। अभी वो लंबा पेड़ 1 वर्ग किलोमीटर को खुदाई करके निकाला गया है, लेकिन अभी तक नालंदा का ओरिजिनल गेट नहीं मिला है। ये रास्ता दीवार काट करके बनाया हुआ है, जिससे हम लोग इंटर किया है, इसी से वापस बाहर जाएंगे। अतः ये सीमेंट का सपोर्ट बाद में दिया गया है। जहाँ कहीं सीमेंटिंग का यूज किया, वहाँ डेट लिखा है ASIR क्लोजकल सर्वे ऑफ इंडिया 1961 वर्षन। ये कब बना भैया? वही 61-62 ही तो डेट होता है ना, खुदाई करने के बाद 1961। नालंदा का जो भी इंफॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं, ह्वेन सांग की डायरी के आधार पर, उनकी डायरी के आधार पर नालंदा 2 शब्द खंडों का मेल है, नालंग और दा। नालंग माने कमल का फूल, जो ज्ञान का प्रतीक है। दा माने देने वाला, जो ज्ञान देने वाला जगह वह नालंदा है। सर यहाँ एडमिशन के लिए 4 भव्य गेट थे, जहाँ द्वारपाल टेस्ट परीक्षा लेते थे। यदि छात्र उनका सही जवाब देते थे तो एडमिशन होता था। जरा विचार कीजिए, जहाँ का द्वारपाल इतना टैलेंट हो, उनके प्रोफेसर या प्रिंसिपल कितने विद्वान रहे होंगे। लेकिन अभी तक ओरिजिनल गेट नहीं मिला है, ये टेम्प्रोरी रास्ता है, एंट्रेंस यही है। एक जगह ये छोटा छोटा गड्ढा, ये गड्ढा नहीं सर कमरे हैं। एक ही कमरे में एक एक दरवाजा होता था, हम छत के पास में खड़े हैं, यानी वो रोड बेसमेंट था। जब बाई नेचर बिल्डिंग टूट जाती थी, दूसरा राजा इसे कवर करके दूसरा या तीसरा फ्लोर का निर्माण करते थे। इस तरह से नालंदा बहुमंजिली इमारत थी। जरा दीवार की मोटाई पर नजर डालिए सर, कम से कम 4 फीट से लेकर 12 फीट तक चौड़ी इनकी दीवारें थी, जिससे सर नेचुरल एयर कंडीशन बना होता था। गर्मी के दिनों में ठंडा, ठंडा के दिनों में गर्मी जमा रहती थी। दूसरा मजबूती होता था, और तीसरा देखिए मेरा आवाज इको हो रहा है, हेलो हेलो हेलो, इस तरह से साउंड प्रूफ भी था नालंदा। सर एक छात्रावास आपने ये देखा, दूसरा ये था। दो छात्रावास के बीच का एक कॉरिडोर है, गलियारा है। जब मेन गेट नहीं मिला तो ये टेम्प्रोरी रास्ता दीवार काट करके बनाया गया है। इसमें देखा जाए श्रीमान, ये आपका ओरिजिनल है, किंतु ये बाद का है, जिसमें सीमेंट आपने लगाया है। जो ओरिजिनल है देखिए, लगता है ईंट के ऊपर ईंट चिपकाया गया है, कोई मटेरियल दिया नहीं गया। थोड़ा सा पूछ सकते हैं सर? जरूर कुछ पूछ सकते हैं। जरूर जरूर जी। इसमें जो इस्तेमाल है तो कई लोग जी वेट एंड वॉच, हम सब कुछ क्लियर कर देंगे जी जी ठीक ओके। 26 साल पुराना गाइड है, कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में, तो मैं बताने जा रहा था वही चीज इन्होंने पूछ लिया। इसमें सर पतला बाइंडिंग जो लगा हुआ है, 5 तरह के मटेरियल का, चूना, सुर्खी माटी, बेल का रस, गुड़ और उड़द की दाल। नया है वही फीका, पुराना लग रहा है सर, जो पुराना है वो नया लग रहा है, मीन्स ओल्ड इज। अब एक्चुअल देखा जाए, आप आए थे सीधे जाके कुछ आइडिया लगा के लौट जाते, लेकिन इन मेन चीज़ों की जानकारी नहीं हो पाती। हर दो हॉस्टल आपस में इंटर कनेक्टेड थे, एक से दूसरा जुड़ा हुआ था। ये पहले का ही बना हुआ है ये जो? हाँ ये सब पहले का है, ये वाला। हाँ जी जी, ये वाला पहले का है, ये बाद का है। इसमें भी वही ईंट का टुकड़ा है, चूना और सूखी माटी। नमो
बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। हर हॉस्टल के दक्षिण पश्चिमी कोने से एक सीढ़ी थी जो इनके ऊपरी इमारत में जाता था। ये सीढ़ी पहले का ही है ना? जी हाँ। चढ़िए शशि जी। अच्छा वही। कैसा है सौरभ जी? बस वहीं तक जाना है अमित जी। स्टल मिला है और सेम ही तरीके आ रहा है मंदिर। यदि वो सबके भी मिट्टी हटाया जाए सर तो ऐसा मिलेगा। ये नालंदा का मेन स्तूप है। इसका नाम है सारिपुत्र स्तूप। ये स्तूप है जी सारिपुत्र स्तूप। स्तूप का मतलब होता है सॉलिड कंस्ट्रक्शन। ये बुद्ध की यादगारी में बनी थी। इसके ऊपर में भगवान बुद्ध का बहुत बड़ा मूर्ति था जो टूट गया। अभी भी कुछ मूर्तियां आप दीवारों पर देख रहे हैं क्योंकि चारों तरफ बुद्ध मूर्तियों से घिरा हुआ था। किंतु यहाँ जो गोल गोल जैसा देख रहे हैं सर, चौकोर वाला ध्यान करने की जगह वो गोल वाली सब समाधियां थी। जो विद्यार्थी या प्रोफेसर किसी कारणवश यहाँ मर जाते थे, मरने के बाद उनके डेड बॉडी को घर भेजना संभव था नहीं। यहीं पर जला करके उनके राख को रख करके पोस्ट के हिसाब से बड़ा या छोटा समाधि बना दिया जाता था। वो सारा समाधि जितना गोल गोल है, अब ये बिल्डिंग डैमेज हो गया, इसलिए रेलिंग दिया हुआ है। इधर जो गोल गोल है गोल, इधर भी इधर जितना देख रहे हैं सर, हजारों की संख्या में एक पर किलोमीटर अदरवाइज वो जल गया या उसका फायदा अंग्रेज ले गए होंगे, क्योंकि खुदाई अंग्रेजों का किया हुआ है। अपनी सरकार खुदाई किया जाए तो कुछ ना कुछ। ऑफ कोर्स सर, कायदे से इसका एक्सकेवेशन होना चाहिए था। बिल्कुल आसपास के गांव को वहां से स्थापित करके विदेशों में होता उसको लैंड क्या मतलब हम अपने चीजों को महत्व देना जानते हैं। रिसर्च का पार्ट जी और तेल्हाड़ा में जो यूनिवर्सिटी उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? नहीं अभी उसका रिसर्च चल रहा है, मैं उसको नहीं कह सकता कि वो तेल्हाड़ा अभी है क्या। अभी उस पर रिसर्च चल रहा है। वहां से निकला क्या है अभी? लगभग 5-6 सालों से वहां रिसर्च चल रहा है सर। जो पॉट्स यहां से मिला था डीएम गोजिन पाले गए थे केवल पॉट्स जी। अभी एएसआई जब डिक्लेयर नहीं कर पाई। मनमोहन सिंह की पुत्री भी आई थी और भी इतिहासकार वहाँ लगे हुए हैं। वही ना कहा जी जी। ओके ठीक है नमस्ते। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनिल हुआ। कभी आए तो याद रखें। ठीक है अनिल जी। ऐसा था वो? हाँ देखिए कुआं इधर आइए इधर आइए। पानी ठीक हो गई मोटा मोटी बाकी